नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। हमारे कमेंट बॉक्स में ढेर सारे कमेंट हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा किस एज तक के लोग लिख सकते हैं, महिला के लिए क्या उम्र होगी, जनरल कास्ट के लिए क्या होगी। आज सारी चीजों पर बात करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने मैसेज किया है, कई लोग कॉल करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कॉल नहीं करके जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज कीजिएगा और कोशिश करेंगे सारे लोगों का जवाब देने का। अलग अलग राज्यों में प्रावधान क्या है और किसी किसी उम्र में छूट मिलती है, सभी चीजों पर जनरलाइज्ड वे में बात करेंगे। आमतौर पर जो स्टेट कमीशन होता है किसी भी राज्य का, उस राज्य में जनरल कास्ट के बच्चों के लिए 35 वर्ष की उम्र फिक्स की गई है। आमतौर पर हम बता रहे हैं 35 ईयर्स की एज फिक्स की गई है। महिलाओं को इसमें 3 वर्ष का छूट मिलता है, यानी कि उनकी एज 38 वर्ष होगी। दूसरा कि जो SC ST है उन्हें छूट ये 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो एज बढ़कर के 40 साल हो जाएगा। OBC वाले को भी 3 वर्षों का छूट है, तो उनको भी 38 वर्ष हो जाएगा। अब कोई महिला भी है और OBC भी है तो उनकी उम्र सीमा बढ़कर के हो जाएगा 41 ईयर्स का। कोई महिला भी है, SC ST भी है और दोनों में उनको फायदा ले रहे हैं, तो वो उम्र जो है बढ़कर के हो जाएगा 42 ईयर्स का। इसी प्रकार से फिजिकली जो हैंडीकेप्ड है उनको 5 वर्षों का छूट मिलता है। सेना के जो लोग हैं उनको 5 वर्षों का छूट होता है। और आप किसी नौकरी में है, राज्य सरकार की किसी नौकरी में है, तो 5 वर्ष का छूट आपको भी मिलता है। आप अगर टीचर हैं, आप दरोगा हैं, आप सचिवालय में हैं, तो 5 वर्षों की छूट आपको भी मिलेगी। तो 35 और 5 40, ये पहला सेक्टर। अब देखिए, ये हमने बताया जनरलाइज्ड किसी भी राज्य के लिए, लेकिन झारखंड में क्या है कि इसका पैटर्न थोड़ा धीरे है, सिस्टम धीरे है, इसलिए यहाँ पर और ज्यादा एज वाले को फायदा मिल सकता है। कैसे मिलेगा? आप जैसा जानते हैं कि झारखंड में अभी तक 6 परीक्षा ही हुई है, जो मेंस वाली छठी हाल फिलहाल में हुई है, तो 6 परीक्षा हुई है। झारखंड बनने का 19 वर्ष हुआ है, तो 19 एग्जाम होना चाहिए था। छठी मतलब ऐसे सोचिएगा तो वो 2006 में होने वाला परीक्षा 2019 में मेंस हो रहा है उसका। और हर अगर 3-3 वर्षों का आप गैपिंग देख लें, 6 परीक्षा हुआ है, 18 वर्ष तो पार हो गया झारखंड का, तो हर 3 वर्ष में एवरेज 1 परीक्षा हुआ रिजल्ट लेकर के। तो यहां पर अगर 3-3 वर्षों का एवरेज पकड़िएगा कि 2000 के जगह 2003 में, 3 के जगह 6 में, 6 के जगह 9 में, 12 में, 15 में, 18 में, कैसे रेशियो चलाइएगा, ये 2-2 साल का पकड़िए, दोनों में से कोई एक जनरलाइज्ड आप पकड़ लें खुद से। क्या कमीशन वाले बाद में करेंगे वो आपको समझाएंगे। अब यहां पर 2000 आप ऐसे सोचिए कि ये 6 परीक्षा जो हुई है, तो छठी वाली परीक्षा एक्चुअली में होना चाहिए था 2015 या 2012 में, 2010 में। तो एज की गणना किया जाता है उसी तिथि से, जैसे उसमें लिखा जाता है कि आपका 1 जुलाई 2010 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आज परीक्षा लिख रहे हैं और उसमें गणना किया है 2010 को, तो 2010 और आज 9 साल, तो उस वक्त अगर आपका 35 साल हो रहा था तो आज उसमें 9 साल आप जोड़ देते हैं, तो आपको 44 साल तक के लोग JPSC लिख सकते हैं। इस बार ये गणना 2012 में होने की संभावना है कि 2012 या 14 रखा जाएगा, कि आपकी एज की गणना 2014 से रखा जाएगा। तो 14 में अगर रखा जाता है तो हमें संभावना लग रहा है, तो अगर 14 रखा जाता है तो 35 वर्ष हो गया 2019 में जिनका हो रहा है, प्लस आप 4 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो आप जेन्यून वे में 39 वर्ष तक के आप फाइट कर सकते हैं। पहला, आप ओबीसी हैं तो 39 में 3 साल और जोड़ दीजिए, 39 और 3 हो गया कितना, 42 साल तक। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो उसमें और 3 साल जोड़ दीजिए, तो 42 के साथ 3 जोड़ देंगे तो 45 साल तक हो गया। अगर आप इसके बाद नौकरी में भी है, सरकारी नौकरी में है, सारा चीज क्राइटेरिया के साथ, तो आप 5 साल और जोड़ लीजिए, 50 साल हो गया।
इसलिए इसमें एज बहुत मुश्किल से ही किसी का छटता है। ये दुविधा अलग है कि ज्यादा एज हो जाने पर पढ़ने की मन नहीं करती। आप ऐसा देखते होंगे कि जो आपके अंदर स्टेमिना रहता है, जो 25 साल वाले 30 साल वाले तक में रहता है, आप धीरे धीरे थोड़ा सा बोरिंग होता है आपको कि अब आगे नहीं पढ़ना है, उतना मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर परीक्षा टाइम से होगा तो आप अपनी एनर्जेटिक हालत में परीक्षा लिखिए। यही कारण है कि जेपीएससी की तैयारी करने के पहले ज्यादा लोग जो होते हैं किसी ना किसी नौकरी में रहते हैं। अगर आप इसके मेंस वाले को देखिएगा तो आप उसमें एक बार सर्वे कर लीजिए। वैसे 34,000 लोग इस बार पीटी पास करके मेंस लिखने गए थे, तो आप पूछ लीजिएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, तो किसी ना किसी जॉब में जरूर है। और लगभग 20-35% लोग जो है वो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा डिले चलता है, कौन रिस्क लेगा 35 वर्ष तक के बिना किसी नौकरी को किए हुए। और अब सिर्फ आप जेपीएससी लिखिए, बाकी परीक्षा मत लिखिए। तो इसलिए एज वाले जो बहुत से हमारे व्यूअर ने लिख रखा था, सर एज क्या होगा, ये अगर जेपीएससी एक साथ में 4-5 परीक्षा ले ले तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। एक तो वैकेंसी ज्यादा होगा, 7th वाला में 400+ वैकेंसी बताया गया, बट हमें उम्मीद है और भी बढ़ेगा। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और रूरल एरिया में अगर आप सेमिनार करवाना चाहते हैं रूरल एरिया में निःशुल्क, तो आप हमें जरूर मैसेज करिएगा कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर हम लोग की एक टीम जाएगी और आपको रूरल एरिया में आप करियर सेमिनार करवाइए। जो बच्चे गाँव में तैयारी कर रहे हैं कैसे करें, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और उससे आप घर बैठ करके तैयारी करेंगे। बहुत से कमेंट हमने देखा है कि क्लासेस कब शुरू होगा, तो हमारी वीडियो समझिए अब शुरू हो गई है। डेली अब अलग अलग टॉपिक पर आएगी वीडियो, और थोड़ा सा और भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑनलाइन वाला थोड़ा सा बेहतर किया जा रहा है, ताकि आप बीच में सवाल भी पूछ पाएं। और हम लोग भी रूरल एरिया से ही हैं, अभी तो जमशेदपुर में चलिए हैं, लेकिन पहले हम लोग रूरल एरिया में ही लगातार रहते थे, तो आपको साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अच्छा करिए और आप करियर को लेकर के थोड़ा सतर्क रहें। जेपीएससी के लिए जिन्होंने भी पूछा था, एज को लेकर के आज उन्हें संतुष्टि जरूर हुई होगी। और हमारे साथ आप बने रहिएगा जरूर, हम लगातार आपको वीडियो भेजते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।